श्रीदेवी का निधन हो गया। यह खबर जब आपने भी सुनी होगी तो आपके भी पैरों तले जमीन जरूर खिसक गई होगी, क्योंकि श्रीदेवी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड कही जाती थी। श्रीदेवी ने एक नया मुकाम हासिल किया था। उनके दो बच्चे थे जो बॉलीवुड में, एक उनकी जो बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर, वो बस एंट्री मारने ही वाली थी, वो भी अपनी पहली फिल्म धड़क से। लेकिन उसकी कामयाबी तो रही दूर की बात, उसकी पहली फिल्म ही श्रीदेवी को देखना नसीब नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज हम आपको सुनाएंगे कि आखिर श्रीदेवी के साथ कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। आपने भी कई स्टोरीज पढ़ी होंगी, उस वक्त श्रीदेवी के निधन की खबर लाइमलाइट में थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर श्रीदेवी के साथ क्या हुआ, लेकिन कई अनसुलझे राज कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी के साथ ही दफन हो गए थे। लेकिन हमने फिर से उन राजों को खुरेदा और आपके सामने हम कई ऐसी चीजें लेके आए हैं जो आपको भी हिलाकर रख देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर श्रीदेवी के साथ 2201 में मर्डर हुआ था या फिर जो है उन्होंने सुसाइड किया था या फिर क्या हुआ था उनके साथ उस रात। तो अगर हम 18 फरवरी से शुरू करें तो श्रीदेवी जो है अपने पूरे परिवार के साथ, जाह्नवी कपूर को छोड़ दें तो अपने पूरे परिवार के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए दुबई जा रही होती हैं। उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी होती है और यूएई में शादी है, तो कोई ऐसी वैसी शादी नहीं होती है, ये बड़े ही हाईफाई फैमिलीज आती हैं इसमें। अनिल अंबानी, टीना अंबानी की भतीजी की शादी होती है, वो भी इसमें शिरकत करते हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जितने अमीर परिवार हैं सब शादी में शिरकत करने के लिए यूएई दुबई पहुंच जाते हैं। बढ़िया शादी होती है वहां पर। 18 फरवरी के बाद जब जाते हैं, श्रीदेवी की कई तस्वीरें निकल कर आती हैं, आपने भी देखी होंगी, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी श्रीदेवी। 50 साल से ज़्यादा की हो गई थी लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को वो मात देती थी। आपको भी याद होगा कि श्रीदेवी का जो ग्लो है, जो उनका अभी भी इस उम्र में भी जो उनका जो उन्होंने फिगर मेंटेन कर रखा था, जिस तरीके से वो अपने फीचर से सभी का मन मोह लेती थी, वो 50 साल के बाद भी इसी तरीके की वो दिखती थी। तो जैसे कि अब शादी वाली बात पे आते हैं, तो पूरा परिवार शादी में शिरकत करता है। जाह्नवी कपूर नहीं जाती हैं क्योंकि उनकी धड़क की जो है फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही होती है और वो जो है अपनी शूटिंग में मशरूफ होती है, जिस वजह से वो नहीं जा पाती हैं। अब देखिए, ये तीनों लोग चल देते हैं दुबई की ओर। बढ़िया शादी होती है, शानदार शादी होती है, कई तस्वीरें निकल कर आती हैं शादी की सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर। आपने भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो है फोटोज़ देखी होंगी, मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर, ये सभी लोग शामिल होते हैं उस शादी में। श्रीदेवी की चमक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 50 साल की ज़्यादा की हो गई थी लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे का वो नूर जो है वो अलग से ही चमकता था। सब कुछ बढ़िया तरीके से निपट गया, सभी लोग जो है इंडिया वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी जो है वो वहीं दुबई में ही रह गई। इसके भी दो कारण बताए जाते हैं कि श्रीदेवी को अपनी जो है बहन से मिलना था और वहीं उनको अपनी बेटी के लिए जो है कई शॉपिंग भी करनी थी दुबई में, क्योंकि उनकी बेटी जिस तरीके से जो है वो मशरूफ थी अपनी शूटिंग में, तो वो दुबई नहीं आ पाई थी। अब देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, शादी हो गई, जो है बोनी कपूर और जो खुशी कपूर जो उनकी बेटी है वो चले आते हैं मुंबई वापस, क्योंकि बोनी कपूर के आने का भी रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि वो श्रीदेवी को अकेला छोड़कर चले आते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बोनी कपूर को अटेंड करनी होती है एक इन्वेस्टर्स समिट जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उस वक्त आयोजित की गई थी, तो इसलिए वो चले आते हैं। श्रीदेवी जो है वो दुबई में रुक जाती है। सब कुछ सही चल रहा है आपकी नज़र में भी और मेरी नज़र में भी, अभी तक जैसा एक नॉर्मल फैमिली में होता है वैसा ही चल रहा है। क्या होता है कि श्रीदेवी जो है एक जो है होटल में रूम लेती हैं, दो दिन वो उस रूम में अकेले रुकती हैं। उनको अपनी फैमिली की काफ़ी याद आ रही होती है, जैसा कि स्टेटमेंट्स में बताया गया है। ये कोई मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहानी सुना रही, ये
कई जो स्टेटमेंट्स हैं वो बोनी कपूर की तरफ से दिए गए हैं या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं श्रीदेवी की मौत को लेकर। तो बताया जाता है कि वो जो है 2 दिन होटल के रूम में जो है रुकती हैं और अकेले होती हैं, पहली बात तो यही। और वो अकेले 2 दिन उस होटल के रूम में रुकी रहती हैं, ना अपनी बहन से मिलने जाती हैं और ना ही कोई शॉपिंग करती हैं। वो बोनी कपूर को फोन लगाती हैं, कहती हैं कि उनको अपनी फैमिली की और बोनी कपूर की याद आ रही है। तो बोनी कपूर भी उनको जो है, जैसे कि अब आप ही हैं, आपको किसी की याद आ रही है तो आप किसी से कहेंगे कि आप उनको मिस कर रहे हैं, तो सामने वाला भी यही कहेगा कि हाँ जल्द ही मिलेंगे, ये सारी चीज़ें बोनी कपूर भी कह देते हैं। और इसी तरीके की उनकी बात चलती है। बोनी कपूर जो है श्रीदेवी को दुबई सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जब कोई आपको सरप्राइज देगा तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी ही। तो श्रीदेवी भी काफ़ी खुश हो जाती हैं बोनी कपूर को देख करके। उनके हस्बैंड जो है अपना काम छोड़कर आए हैं, उनको सरप्राइज दिया क्योंकि वो लोनली फील कर रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोनी कपूर 24 फरवरी को पहुंच जाते हैं दुबई। अब वो दुबई जो पहुंचते हैं, उस वक्त दुबई में जो है वो 6:15 बजे होंगे और हमारे इंडिया में वही 8:15 का टाइम होगा। तो वो जब पहुंचते हैं तो श्रीदेवी का थोड़ा मूड लाइट करने के लिए कहते हैं कि चलिए किसी पार्टी में चलते हैं। पार्टी इन द सेंस मतलब दुबई में जो होटल्स में छोटे मोटे डिनर की जो पार्टी हुआ करती है वो होटल वाले ही ऑर्गेनाइज कराते हैं किसी डिनर डेट के लिए, इस तरीके का उनका मूड लाइट करने के लिए। बोनी कपूर श्रीदेवी से कहते हैं कि आइए हम लोग चलते हैं। तो अब श्रीदेवी पहली बात तो वो अपने कपड़ों को लेकर और अपने लुक को लेकर तो काफ़ी पर्टिकुलर रहती थी। आपने भी उनकी अगर जर्नी देखी हो तो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, अपने जो है निजी जिंदगी में भी वो काफ़ी जो है मेंटेन रहती थी। तो अब श्रीदेवी को जब किसी पार्टी में जाना है या किसी डिनर डेट के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे नहीं जाएंगी। वो कहती है कि मैं फ्रेश होके आती हूँ, नहा धो के आती हूँ, उसके बाद चलते हैं। बोनी कपूर का अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जाएं तो बोनी कपूर कहते हैं कि श्रीदेवी जो है वो चली जाती हैं नहाने के लिए और बोनी कपूर जो है वो मैच देखने बैठ जाते हैं और वो मैच देख रहे होते हैं और श्रीदेवी के तैयार होने का वेट करते हैं। श्रीदेवी जो है वो वॉशरूम में जाती हैं और जो होटल है वो मैंने जैसे आपको बताया दुबई में होता है तो लग्जूरियस होटल होता है और जो बेड जो उनका बेडरूम होटल का होता है वो भी काफ़ी लग्जूरियस होता है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि अमूमन आपने जो होटल देखे होंगे उनमें सिर्फ एक जो है बेडरूम हो गया और एक वॉशरूम हो गया, ज़्यादातर जो है लग्जरी नहीं, जो नॉर्मल होटल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जिस रूम में वो लोग ठहरे होते हैं वहाँ पे ड्राइंग रूम भी होता है, बेडरूम भी होता है और बड़ा सा वॉशरूम भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हाईफाई चीज़ें होती हैं। तो जाती हैं श्रीदेवी नहाने के लिए और बड़े होटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोबाइल टेलीफोन्स भी लगे होते हैं वॉशरूम के अंदर। तो काफ़ी समय हो गया होता है, बोनी कपूर जो है मैच देखने में मशरूफ हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, श्रीदेवी अभी तक नहीं नहा के निकली। तो वो पहले तो एक बार फ़ोन करते हैं अपने जो है बेडरूम से बैठकर और वॉशरूम में श्रीदेवी को, तो वो फ़ोन नहीं उठता है। तो उनको भी लगता है कि बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं उठा फोन कोई बात नहीं। दोबारा वो करते हैं, दोबारा भी नहीं उठता है। बोनी कपूर को होने लगती है थोड़ी सी चिंता कि आखिर मामला क्या है, फोन भी नहीं उठ रहा है श्रीदेवी का। वो जाते हैं पहले तो वॉशरूम को नॉक करते हैं और श्रीदेवी को आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। बोनी कपूर एंटर करते हैं फिर वॉशरूम के अंदर, वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब में गिरी पड़ी है। ये चीज़ बोनी कपूर के लिए देखना, और सोचिए उनको उस वक्त किस क्या महसूस हो रहा होगा जब आदमी अपनी आंखों से ये चीज़ें देखता है कि जा रहे थे अच्छा खासा डिनर डेट पे, लेकिन वो अचानक से देखते हैं कि उनकी बीवी बाथ टब में गिरी पड़ी हुई है। बाथ टब में वो मिलती है उनकी पूरी बॉडी, लेकिन फर्श पर एक भी छींट नहीं होती है। मतलब एक अगर हम जो है नॉर्मल बात करें तो आप अगर कोई बाल्टी रखी है उसमें कोई चीज़ जो है भरी बाल्टी है, अगर उसमें आप एक पत्थर भी फेंके तो पानी ऊपर तक भरा है तो छलक ही जाता है, लेकिन उस जो है वॉशरूम में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था ये हम आपको आगे बताएंगे। तो वो देखते हैं श्रीदेवी को इस हाल में, जल्दी से उनको बाथ टब से बाहर निकालते हैं, अपने दोस्त को फोन करते हैं कि भाई श्रीदेवी के साथ जो है इस तरीके की घटना हो गई, तो आनन फानन में उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। पहले तो डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जिस वजह से श्रीदेवी का
जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और वो बाथटब में जो है गिर गई, डूब गई, उनकी मौत हो गई, पहले तो ये कहा जाता है। अब ये सारी घटना हो रही होती है दुबई में, ये चीज़ तो संडे के दिन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तभी पता चलती है, जैसे उनका निधन जो है वो 24 फरवरी को हुआ होता है, लेकिन खबर जो है ज्यादातर लोगों को, जो उनके फैंस हो गए या इंडिया में ज्यादातर लोगों को, ये खबर 25 तारीख को पता चलती है। जैसे कि सबको पता चलती है, वैसे हमें भी ये खबर पता चलती है। हम भी मस्त संडे के दिन बैठकर जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, चाय पकौड़े खा रहे होते हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे उस वक्त, और आपको जब ये खबर मिलती है कि श्रीदेवी का निधन हो गया है, तो ये खबर जो है हजम कर पाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि श्रीदेवी इतनी फिट रहती थी, और कोई उनका मर्डर करेगा तो आखिर क्यों करेगा, कई सारे सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। पहले तो डॉक्टर बता देते हैं कि श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं होती है, बॉडी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तब खबर निकल के सामने आती है कि श्रीदेवी को दरअसल दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बात तब में डूबने से उनकी मौत हो गई, बात टब में डूबने से उनकी मौत हो गई। आपने भी शायद उस वक्त ये खबर सुनी हो तो आपके भी जहन में यही आया होगा कि यार बात टब में डूबने से किसकी मौत होती है, एक बार स्विमिंग पूल बोला होता तो समझ में भी आता। यही सवाल हमारे जहन में भी आया कि आखिर बात टब में डूबने से किसी की मौत कैसे हो सकती है। तो ये चौंकिए मत, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पोस्टमार्टम में आता है कि श्रीदेवी की जो है बात टब में डूबने से मौत हो चुकी है। पूरे देश में जो है लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, ये बाथटब में डूबने से श्रीदेवी का निधन हो गया। तो उसके बाद अब उनका फैंस जो है उनके अंतिम यात्रा की जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब श्रीदेवी की बॉडी जो है वो इंडिया आएगी और कब उनका अंतिम संस्कार होगा, हर कोई इस चीज का वेट कर रहा होता है। लेकिन दुबई में ये सारे प्रोसीजर्स होने में काफी वक्त लगता है। एक तो जिस दिन उनकी मौत हुई होती है उसके अगले दिन होता है संडे, दुबई में संडे के दिन कोई काम नहीं होते। हमारे आपके यहाँ ऐसा हो जाता होगा कि जो है संडे के दिन दफ्तर खुल जाता होगा और कोई काम हो जाता होगा, क्योंकि किसी मिनिस्टर की बात है या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात है या किसी भी सेलिब्रिटी की बात है, तो हम जो है काम कर लेंगे या दफ्तर खोल देंगे। लेकिन अमूमन दुबई में ऐसा नहीं होता, दुबई में रूल्स आर रूल्स, वहां के रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, खुद जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी नहीं तोड़ते। तो दुबई के दिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, आज के दिन तो बॉडी रिलीज नहीं करी जा सकती। अब 26 तारीख का दिन आता है, तो एक विदेशी जो है मुल्क और एक विदेशी की मौत हुई होती है दुबई में, तो इतनी आसानी से वो बॉडी तो नहीं रिलीज करते, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद इधर इंडिया में श्रीदेवी का इंतज़ार किया जा रहा होता है। बोनी कपूर भी जो है वो, फिर शाहरुख खान और सलमान खान, ये दो ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनकी तूती बोलती है दुबई में, वहाँ के शेख इन लोगों की फिल्में काफ़ी पसंद करते हैं, इनको काफ़ी मान सम्मान दिया जाता है। और शाहरुख खान की तो अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा किस तरीके से बुर्ज खलीफा पे उनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, या उनकी कोई फिल्म आ गई तो उसको भी प्रमोशन मिलता है बुर्ज खलीफा पे, तो शाहरुख खान का तो अच्छा खासा नाम है। तो बोनी कपूर क्या करते हैं, शाहरुख खान से जो है फ़ोन करवाते हैं कि श्रीदेवी की बॉडी जो है वो वापस लाने की वहाँ की अथॉरिटीज़ जो है वो परमिशन दे दें, ताकि उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। अब देखिए शाहरुख खान और सलमान खान अपने अपने तरीके से इंतजामात करते हैं और दुबई अथॉरिटीज़ को फ़ोन करते हैं, तब दुबई अथॉरिटीज़ जो है वो श्रीदेवी की बॉडी को रिलीज कर देता है। श्रीदेवी की बॉडी जो है वो रिलीज हो जाती है और अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन में बॉडी इंडिया आती है, श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो जाता है 27 फरवरी को। लेकिन उनके अंतिम संस्कार के साथ ही बात खत्म नहीं हो जाती है। अब सवाल तो आपके भी मन में होगा कि आखिर कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी के साथ हुआ क्या था। तो देखिए इसमें कई सारी बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो बताया जाता है कि श्रीदेवी बाथटब में उनके डूबने से मौत जो है हुई है, तो वो इसलिए क्योंकि कई ऐसा जो है यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया है कि लोग जब नहाते हैं तो नहाते नहाते उनको नींद आ जाती है या चक्कर आ जाता है, तो ये एक प्रूवन थ्योरी है। कहा जाता है कि आप नहा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, अगर आप बाथटब में हैं तो आपको नींद या चक्कर आ सकता है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है।
तो ये एक चीज मानी गई कि हाँ हो सकता है श्रीदेवी के साथ ऐसा हुआ हो। तो कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि वो मतलब इतनी सारी उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रखी थी, इस वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। कुछ ने बोला कि हो सकता है श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिलेशन अच्छे ना हो तो इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। ये सारी बातें चलती रही और कुछ वक्त बाद एक और खबर निकल कर सामने आती है जो ये बात को पूरी तरह से कंफर्म कर देती है कि ये कोई जो उनका डेथ हुई है ये ऐसी ऐसा नहीं है कि ये सुसाइड हो या फिर जो है अचानक से उनकी मौत हो गई हो, ये एक मर्डर है। आप समझ रहे हैं? जो खबर आती है सीधे सीधे वो यही इशारा करती है कि बोनी कपूर एंड फैमिली ने श्रीदेवी को जो है मौत के घाट जानबूझकर उतार दिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर सामने आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि श्रीदेवी ने ओमान में जो है एक इंश्योरेंस करा रखा था जो 250 करोड़ का था। अब आप सोच रहे होंगे कि 250 करोड़ के लिए श्रीदेवी को दुबई में मारने की क्या जरूरत थी। तो शर्त ये थी उस इंश्योरेंस की, जो कि बड़ी अजीब थी, मुझे भी, मैंने भी जब इसको पढ़ा तो मुझे तो बड़ी अजीब लगी और आप भी सुनेंगे तो आपको भी बड़ी अजीब लगेगी कि ओमान में जो इंश्योरेंस कराया था श्रीदेवी ने 250 करोड़ रुपए का, उसकी शर्त ये थी वो पैसा तब मिलेगा श्रीदेवी की मौत, पहली चीज दुबई में होनी चाहिए और दूसरी चीज बिल्कुल ही नेचुरली होनी चाहिए, यानी किसी तरीके के सुसाइड या मर्डर नहीं, नेचुरली उनकी मौत होनी चाहिए। और जैसे कि श्रीदेवी की मौत हुई थी तो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये दोनों ही चीजें थी, एक तो दुबई में मौत और दूसरी बात उनकी डेथ पूरी तरह से नेचुरली थी क्योंकि वो बाथ टब में डूब गई थी और उनका निधन हो गया था। ये एक खबर जब सामने आई जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तो मानिए तबाही आ गई थी कि बोनी कपूर को ही लोग जो है खूनी कपूर बता रहा था, कोई उनको हत्यारा बता रहा था, कोई किसी का कहना था कि सिर्फ 250 करोड़ रुपए के लिए बोनी कपूर इतना ज्यादा गिर गए कि उन्होंने श्रीदेवी को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली भी बात है कि बोनी कपूर जैसा जो है इतना बड़ा डायरेक्टर जिसने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बनाई हैं, तो क्या वो ऐसा काम करेगा मात्र 250 करोड़ रुपए के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ मात्र 250 करोड़ क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए 250 करोड़ रुपए इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हमारे आपके जीवन में। हाँ ये एक बड़ी रकम है लेकिन उनके लिए शायद ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। और मैं किसी जो है उस पर भी नहीं, वर्डिक्ट पे भी नहीं आ सकती कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो कुछ थ्योरीज थी जो लोगों की तरफ से बताई गई और जो है ऑफिशियली भी सामने आई वो मैंने आपको बताई। आपको क्या लगता है कि आखिर श्रीदेवी की मौत किस तरीके से हुई होगी? क्या बोनी कपूर का सच में उनकी मौत में कोई हाथ था? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी वीडियोज़ हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।